बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं एसोसिएट प्लेयर टीम्स में, जी हाँ, जो टीम में हैं और रेगुलर परफॉर्म भी कर रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनकी कुछ उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनके जो एवरेज है, उनके जो स्टैट्स हैं, वो सामने कहीं ना कहीं नहीं आ पाते, और उसी को हम कंपैरिजन के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो तीन प्लेयर्स हमने उठाए हैं, जी एसोसिएट प्लेयर्स में से, वो नाम काफी अलग अलग टीमों से हैं, दो तीनों ही अलग अलग टीम से बिल्कुल हैं। सबसे पहले अगर हम बताएं आपको तो ज्ञानेंद्र मल्ला फ्रॉम नेपाल, जी यस हाँ ये है। दूसरे नंबर पर जिसको हमने लिया है वो है मैथ्यू क्रॉस फ्रॉम स्कॉटलैंड, जी हाँ ये भी बिल्कुल एक प्लेयर है स्कॉटलैंड के लिए, एशियाई टीम्स के लिए। और जो तीसरे प्लेयर है वो है चार्ल्स अमीनी फ्रॉम पपुआ न्यू गिनी, जी बिल्कुल हाँ पीएनजी से ये है, जी हाँ ये काफी बहुत सारे प्लेयर लोग शायद इसके इनका नाम ना जानते हो, क्योंकि उस टीम में टॉनी उरा, नॉर्मन वनवा, आसफ जी जरा हाँ जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। इन तीन प्लेयर्स का हम आपको कंपैरिजन आज करके बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आखिर किस तरह से ये तीनों प्लेयर एक दूसरे से बेहतर हैं, या फिर एक दूसरे के मुकाबले कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे ज्ञानेंद्र मल्ला के बारे में और किस तरह के वो बैट्समैन हैं और कैसे इन दो प्लेयरों से वो आगे हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ज्ञानेंद्र मल्ला की अगर बात करें तो कभी ओपनिंग करते हैं तो कभी सेकंड डाउन थर्ड डाउन आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने ओपनिंग ही की है। ओडीआई की अगर हम बात करें, T20I में थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेकंड डाउन करीब वन डाउन या सेकंड डाउन थर्ड डाउन, लेकिन मेरा यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो रहेगा एवरेज में और स्ट्राइक में, क्योंकि वही मैटर करता है, उससे पता चलता है कि आप कैसे रन मार रहे हैं और कैसे मारेंगे आगे के टाइम। तो अगर बात करें ज्ञानेंद्र मल्ला के एवरेज की, 10 मैच ओडीआई में खेले हैं, तकरीबन 22 का एवरेज है और 69 का स्ट्राइक रेट है ज्ञानेंद्र मल्ला का। T20I की अगर इसमें हम आ जाए T20I में, तो 32 मैच उन्होंने खेले हैं, 24 का उनका एवरेज है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 32 मैच उन्होंने इतने रन मारे हैं। रन का मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेन जो चिंता की बात है वो है एवरेज, आपको वही मेंटेन करके रखना है। तो 24 का एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट T20I, ये है ज्ञानेंद्र मल्ला। और अगर हम दूसरे प्लेयर की अब बात करें, जी हाँ, तो वो आते हैं मैथ्यू क्रॉस फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो किस तरह से देखना होगा कि ज्ञानेंद्र मल्ला से ऊपर हैं या फिर ज्ञानेंद्र मल्ला उन्हें पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे प्लेयर आइए जानते हैं मैथ्यू क्रॉस फ्रॉम स्कॉटलैंड। बिल्कुल देखिए, मैथ्यू क्रॉस का जो मैचेस तो ऑब्वियसली ज्यादा है, 50 मैच क्रॉस कर चुके हैं, मैथ्यू क्रॉस क्रॉस कर गए हैं 50 मैच, और T20I में 43 मैच खेले हैं, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं टीम में। एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो 23.5 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट जो है वो 72 का है, बहुत अच्छा है। और ODI में, जी हाँ, और 26 का एवरेज है T20I में और 127 का स्ट्राइक रेट है T20I। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं T20I की अगर बात करें तो स्ट्राइक रेट दोनों का मेल खाता जी होगा। हाँ, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन वाइज आके कौन सा प्लेयर अब अपर हैंड रखता है इन तीनों में, तो बने रहिए वीडियो में। जो तीसरे प्लेयर है, जी हाँ, चार्ल्स अमीनी फॉर्म PNG, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका एवरेज स्ट्राइक रेट किस तरह का है। स्टेट्स आप इनके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज और स्ट्राइक रेट है उसको समझाने के लिए आया हूं। बिल्कुल, चार्ल्स अमीनी की अगर हम बात करें तो 15 ODI उन्होंने खेले हैं, जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला से ज्यादा है, 15 ODI की अगर बात करें तो यहाँ पे 21 का एवरेज है उनका, 21 का एवरेज है और 68 की उनकी स्ट्राइक रेट है, ODI की बात कर रहे हैं। अगर यही हम T20I में आ जाए एग्जैक्ट, तो 23 मैच हो जाते हैं और इसी के साथ 26 का एवरेज है बैटिंग एवरेज और 116 का स्ट्राइक रेट, तो ये है चार्ल्स अमीनी का जो एवरेज और स्ट्राइक। जी हाँ, ये तीनों प्लेयरों की बात हो गई स्टैट्स के बारे में। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि एवरेज, स्ट्राइक रेट, मैचेस और रन्स मिला के, जी हाँ, अगर मैचेस को यहाँ हटा दें, चलिए 10 मैचों का पैरामीटर कर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 10 मैचेस तीनों ही बैट्समैन ने दोनों ही फॉर्मेट में खेले हुए हैं। 10 मैचों का पैरामीटर के हिसाब से एन, आपके हिसाब से क्या लगता है इन तीनों में सबसे अपर हैंड, यानी सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल और मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन आपके हिसाब से कौन से हैं अपनी टीम के लिए? कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल एक ही नाम लेना होगा, जी हाँ, मैं ज्ञानेंद्र मल्ला का नाम यहाँ रखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, इसलिए रखूंगा क्योंकि अगर आप देखेंगे ODI में उनका एवरेज 22 का है, और अगर हम यहीं पे आए मैथ्यू क्रॉस का तो उनका 23 का होता है, और जब एट द लास्ट मुझे लगता है जब ये रिटायर होंगे तो मुझे लगता है करीब तकरीबन 30 करीब का इनका एवरेज रहेगा, ये मेरा अंदाजा है। और देखने वाली बात ये भी है कि मैथ्यू क्रॉस के मैचेस काफी हो चुके हैं, 50+ हो, 50+ मैचेस में भी सिर्फ 1% से एवरेज ज्ञानेंद्र मल्ला से आगे हैं,
तो नो डाउट कि ज्ञानेंद्र मल्ला बेटर करे। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ज्ञानेंद्र मल्ला जो है अपनी टीम के लिए खास करके ओडीआई में पारस खड़का के बाद वही सबसे ज्यादा रन मारते हैं ओडीआई में कहीं ना कहीं, बाकी प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, तो ज्ञानेंद्र मल्ला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। तो मैथ्यू क्रॉस के मुकाबले ज्ञानेंद्र मल्ला एक बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्लेयर आते हैं, क्या ज्ञानेंद्र मल्ला उनको हरा पाते हैं या फिर ये नहीं, आइए कंपैरिजन में ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए T20I में कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र मल्ला को मैं कहूंगा थोड़ा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि T20I में जो एवरेज है वो 24 का है ज्ञानेंद्र मल्ला का। स्ट्राइकर ठीक है स्ट्राइकर से, पर अगर आपके ऊपर टीम निर्भर है डिपेंड है तो आपको पिच में ज्यादा से ज्यादा रुकना है, टाइम स्पेंड करना है और आपको रन बना के देने हैं। मुझे मालूम है आप देते हैं लेकिन और ज्यादा देने हैं, एवरेज यहाँ 24 का है, लेकिन अगर 4 की यहाँ बात करें तो 26 का उनका एवरेज हो जाता है। जी हाँ, 26 का एवरेज है, मैचेस भी ज्ञानेंद्र मल्ला से कम है, ये गौर करने वाली बात है। दोनों की अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें तो 116 का स्ट्राइक रेट उनका भी है चार्ल्स एमिन का, और 127 का स्ट्राइक रेट ज्ञानेंद्र मल्ला का है। तो स्ट्राइक रेट यहाँ 100 के पार है, एवरेज भी उनसे बेटर है, मैचेस भी उनसे कम है T20I में, लेकिन और ODI की भी बात की जाए तो ODI में कहीं ना कहीं पीछे होते हैं। तो जितना लॉन्ग फॉर्मेट होगा वहां दिक्कत आ रही है प्लेयर्स को, ऐसा देख लेंगे मैट्रिक लॉस को भी वहां दिक्कत आ रही है। 50 मैच के बाद अगर आप काई कॉल्सर को देखेंगे और एग्जैक्ट अगर आप मैट्रिक लॉस को देखेंगे तो कहीं ना बहुत बड़ा डिप जो है वो नजर आने वाला है। तो ज्ञानेंद्र मल्ला का मुझे लगता है बहुत सही जाएगा और इस एवरेज से उनका एवरेज बढ़ाना होगा, क्लियर है। लॉन्ग फॉर्मेट में अगर आप जा रहे हैं तो 69 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 70, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट अच्छा होना बहुत मैटर करेगा। क्या आप ज्यादा बॉले भी डॉट नहीं खेल सकते, क्योंकि फिर ओवर्स कम हो जाएंगे और सामने वाले प्लेयर पे प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्र मल्ला ODI में काफी स्ट्रांगली इन दोनों ही प्लेयर्स से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और टी ट्वेंटी की अगर बात करें तो चार्ल्स अमीनी, मैथ्यू क्रॉस और ज्ञानेंद्र मल्ला में, खास करके चार्ल्स अमीनी और ज्ञानेंद्र मल्ला में अच्छी खासी कॉम्पिटिशन यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा अबव हैंड शायद चार्ल्स अमीनी को जाएगा T20 की अगर बात करें। यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि T20 में अगर कोई कहेंगे कि मैथ्यू क्रॉस भी है उनका देखिए 127 का वो स्टार्टेड है, क्योंकि आप मैचेस का और एवरेज को देखिए। जी हाँ, यहाँ ये मत देखिए आपकी आप कितने रन मार दिए उन्होंने, उनके कैसे झूठ बोल रहे हो यार, एवरेज से आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो कितने रन मारेंगे। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल, हम बहुत फोकस करते हैं एवरेज पे, और आप कितने भी क्रिकेटर को उठा लीजिए वो एवरेज पे ही फोकस करेंगे। एवरेज के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप खुद ही रिजल्ट देख पाएंगे। जी हाँ, आपके हिसाब से इन तीनों में मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर वो कौन सा सकते हैं, जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा आप जता सकते हैं जब भी अपनी टीम के लिए बैटिंग करते हुए नजर आए? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करिएगा। मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन में से आपके हिसाब से कौन है कंपैरिजन वाइज? और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए दिलीप के साथ।